यार क्या किस तरीके के स्वास्थ्य मतलब अधिकारियों ने निर्देश दिए? मैं आदर्श भारती इंटर कॉलेज कलवा अलीगढ़ से रिटायर हूँ। मेरे दो बेटे हैं, नितिन कुमार सिंह और हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह मेरा इंजीनियर है बेटा, और बड़ा बेटा मेरा बिहारीलाल इंटर कॉलेज में प्रधान लिपिक है। मैं अपने बच्चे को वहाँ नोएडा से लेने के लिए मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से अनुमति ली दिनांक 28/3/2020 को। उन्होंने मुझे अनुमति देते हुए साथ में लिखा कि सीएमओ कार्यालय जाकर के जांच कराना अनिवार्य है। उसके आधार पर मैं घर न ला करके सीधा जांच कराने ले गया। वहां जांच कराने पर उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में सब फिट फॉर पाया गया, सब कुछ ठीक पाया गया, परंतु उन्होंने प्रीकॉशन के हिसाब से मुझे पूछा कि आपके पास ऐसी कोई एकांत में जगह है कि कुछ दिन के लिए, चूँकि शासन के ऐसे निर्देश हैं कि किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से कोई आता है तो उसको जो है हम आइसोलेट करते हैं कुछ समय के, 14 दिन के लिए, पता नहीं संक्रमण बाद में आ जाए। तो मैं उस वजह से उसको, बच्चे को ऊपर वाला एक रूम, मेरे पास कई रूम हैं, एक रूम में उसे शिफ्ट कर दिया है। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने फिटफोर कर दिया सब कुछ करने के बाद में, मेरे घर पे एक टीम आई और उस टीम ने आकर के ये है आपका कोरोना COVID-19, ये उन्होंने मेरे घर पे चस्पा कर दिया। मगर चस्पा करते समय उन्होंने मेरे पूरे घर को आइसोलेट कर दिया। जब पूरा घर मेरा आइसोलेट हो जाता है तो मुझे सब्जी लाने, दूध लाने और खाद्यान्न संबंधी जो चीज़ हैं रसद की, वो कोई भी चीज़ मेरे पास कोई न प्रोवाइड करा रहा है और न मैं लेने जा सकता हूँ और न मेरे यहाँ कोई आ सकता है। जब वो आइसोलेट कर दिया तो मैं उसका पूर्णतः पालन कर रहा हूँ। तो क्या समस्या? मगर मैंने जो, मेरे पास जो फ़ोन लोगों के आ रहे हैं, अधिकांश लोगों के फ़ोन आ रहे हैं सुबह से, मैं बहुत परेशान हूँ, कल से परेशान हूँ। लोगों ने झूठी अफवाह उड़ा दी है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एक परिवार के नौ व्यक्ति संक्रमण पाए गए, जबकि संक्रमण का कोई हिसाब नहीं है। झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं उन लोगों के। एक्चुअल मेरे पास व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है, नहीं होते तो मैं आप लोगों को देता और प्रशासन को भी देता। हाँ, तो ऐसी स्थिति में एक तो आप अपने चैनल के माध्यम से और उसके माध्यम से ये झूठी अफवाह वालों को चेतावनी दें कि ऐसी अफवाहें नहीं उड़ाएं, यदि अफवाहें उड़ाएंगे तो जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो समस्या आपके सामने फिलहाल खाने पीने की? मेरे पास समस्या ये है कि न तो मैं सब्जी ला सकता हूँ, न मैं दूध ला सकता हूँ, न मेरा परिवार का ला सकता है, क्योंकि सबको हमको बाउंड कर दिया है, एक तरह से आइसोलेट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ से ले आएंगे? ऐसी हालत में प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। मैं इसके बारे में अभी डीएम को फोन करूंगा और डीएम से बात करूंगा। सब आपकी तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिल रही है। और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि बीच में एक आध बार डॉक्टर्स को फिर भी परीक्षण के लिए आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। आइसोलेट करके छोड़ दिया है, फिर वो परीक्षण के लिए क्यों नहीं आए? क्या ऐसा भी हो रहा है पड़ोसी जो सोसाइटी के लोग हैं आपसे दूरी बना रहे हो? हाँ, सोसाइटी का तो दूरी बनाएंगे ही, सदैव बनाएंगे। जब एक बार सुनिए, जब घर को आइसोलेट कर देंगे तो सोसाइटी, मतलब पड़ोसियों क्या होती है इसमें, पड़ोसियों तो का कोई दोष नहीं है। जाना भी नहीं है 14 दिन और कोई आना भी नहीं। आइसोलेट ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया? स्वास्थ्य विभाग तो करके गया, ये देखिए लिखा है आपके सामने है, और सीएमओ ने लौट के खबर भी नहीं ली है। और बताइए।